हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी का नाम है एग करी, जो लोगों को खाने में बहुत ही स्वाद लगती है। सो फ्रेंड्स, हमने जो एग करी बनाने के लिए सामग्री लिया है वो इस प्रकार है। ये हमने 8 अंडे लिए हैं, 3 प्याज लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं, कुछ हरी मिर्चें लिए हैं, कुछ लहसुन के दाने लिए हैं। इन सबको हम काट कर उबाल लेंगे, उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। और 2 बड़े चम्मच हमने तेल के लिए हैं। हमने एग करी के लिए जो सूखे मसाले लिए हैं वो इस प्रकार हैं। 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच मेथी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और चुटकी भर हल्दी। तो फ्रेंड्स, अब हम अंडे उबालना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इसके लिए 1 गिलास पानी लिया है। इस पतीले में हम पहले 1 गिलास पानी डाल रहे हैं और साथ साथ इसमें पहले 1 चम्मच नमक डालेंगे ताकि हमारे अंडे जल्दी से उबल जाएं। इसमें फ्रेंड्स हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। इसको हम पहले उबाला दिलवाएंगे, उसके बाद इसमें अंडे डालेंगे। हमने इसको फुल गैस पे रख दिया है। देखो फ्रेंड्स, हमारे पानी को उबाला आना स्टार्ट हो गया है। इसको हमने 2 मिनट फुल गैस पे पानी को उबाला है। इसकी हम फ्लेम अब लो कर रहे हैं। अब हम इसमें साथ साथ ये अंडे डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, इसको हम थाली से ढक रहे हैं और 10 मिनट के लिए इसको हमने अब सिम गैस पे रख दिया है उबलने के लिए। 10 मिनट्स बीत चुके हैं। फ्रेंड्स, हमारे अंडे उबलकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसकी गैस को बंद कर रहे हैं। इसको अब हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको छीलेंगे। फ्रेंड्स, हमारे अंडे ठंडे हो गए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे और फिर इसको हम अब छीलेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने अंडे को छील लिया है। अब हम इन अंडों में छोटा छोटा कट मारेंगे ताकि इसमें अच्छे से मसाला जा सके जब हम इसकी एग करी बनाएंगे। इसी प्रकार हमने सभी अंडों में करना है। हमने प्याज टमाटर जो लिए थे हमने उनको काट के उबाल कर इसको ग्राइंड कर लिया है। अब हमारा ये मसाला एग करी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल के डाल रहे हैं। हम इसको पहले फुल गैस पर गरम करेंगे। हमारा तेल गरम हो गया, अब हम इसका फ्लेम लो कर रहे हैं। अब हम इसमें ये जो ग्राइंड किया हुआ मसाला इसको डालेंगे। इस मसाले और तेल को आपस में मिक्स कर लें। इस मसाले को लो फ्लेम पर ही पकाएं। इसको हमने 2 मिनट सेम गैस पे रखा है। अब हम इसमें ये नमक मिर्च डालेंगे। इनको आपस में मिक्स कर लें। हमने इस मसाले को 5 मिनट सिम गैस पर भुना है। अब हम इसमें अंडे डाल रहे हैं। अब पहले इन अंडों और मसालों को आपस में मिक्स करेंगे। अब हम इसमें साथ साथ 1 कटोरी पानी डालेंगे और इसको हम 5 से 10 मिनट सिम गैस पे इसको उबाला दिलवाएंगे। हम इसको 10 मिनट के लिए सिम गैस पर छोड़ रहे हैं। हमने इसको 7 से 8 मिनट सिम गैस पे पका लिया है। अब हमारी ये एग करी बनकर तैयार है। देखो कितने अच्छे तरीके से बनी है, हमारी कितना करी का रंग कितना प्यारा आया है। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में डालने के लिए तैयार हैं। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।